नमस्कार, न्यूज क्लिक में आप लोगों का स्वागत है और आप देख रहे हैं आप लोगों का पसंदीदा कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। इतिहास में अक्सर देखा गया है ऐसे नेता कभी कभी आते हैं जो ऐसे फैसले लेते हैं जिससे देश की राजनीति में बुनियादी परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद बहुत लंबे वक्त तक डिबेट चलता रहता है कि वो फैसला आखिरकार पॉलिटिकल कन्विक्शन की वजह से लिया गया था या फिर इट वाज अ मैटर ऑफ पॉलिटिकल सर्वाइवल। ऐसा एक उदाहरण हिंदुस्तान में हमारे जो भूतपूर्व और जो दिवंगत प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, उनके जो टेन्योर था उस पीरियड में मंडल कमीशन के अवार्ड का जो फैसला था वो एक उदाहरण है। आज से ठीक 30 साल पहले हमारे इतिहास में एक ड्रामेटिक टर्न हुआ था और इसका इम्पैक्ट हमको अभी तक महसूस होता है। संयोग से एक तरफ दूरदर्शन में महाभारत का जो टेलीविजन सीरियल था जिसने पूरे मुल्क के अटेंशन को रिवेट करके रख दिया था वो खत्म हो रहा था, उसका लास्ट एपिसोड 8 जुलाई 1990 को टेलीकास्ट हुआ। ठीक उसी समय एक और युद्ध की तैयारी हो रही थी। ये युद्ध जो था ये बहुत लंबा चलने वाला युद्ध था महाभारत के 18 दिन के युद्ध के तुलना में। 30 साल पहले की घटनाएं आज भी हमारे देश के राजनीति के पॉलिटिकल पैरामीटर्स को डिफाइन करती हैं। जून से लेकर अगस्त 1990 तक उस बीच में जो राजनीतिक घटनाएं हुई उन्होंने एक नया पॉलिटिकल ट्रेंड बल्कि कई सारे ट्रेंड्स को कैटलाइज कर दिया। पार्टीज के बीच में जो म्यूचुअल कॉन्टेस्टेशन के इश्यूज थे तब से लेके अब तक उनको परमानेंटली लिस्ट कर दिया। उस समय की घटनाओं ने सोशल जस्टिस के पॉलिटिक्स को लेजिटिमेसी दी और उसको काउंटर करने के लिए जो हिंदू राष्ट्रवादी ताकतें या फिर पार्टीज या संगठन थे उनको निडर होके अपने आइडियोलॉजी को आर्टिकुलेट करने का मौका मिला। इस पीरियड की घटनाओं ने नए पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस एस्टैब्लिश किए और साथ ही दो कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को बिल्कुल आमने सामने या फिर हेड ऑन कोलिजन कोर्स में लाके खड़ा कर दिया। पॉपुलर पार्लेंस में इसको मंडल वर्सेस कमंडल कहा जाता है। तब से लेकर अब तक राजनीतिक मैदान एक तरह से एक कबड्डी के कोर्ट जैसा लगता है। एक तरफ तो वो फोर्सेस हैं जो मानते हैं कि हिंदू समाज में प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट जाति के आधार पर है, वहीं दूसरे तरफ जो अपोजिंग फोर्स है उनके लिए उनके पॉलिटिकल गोल्स और ऑब्जेक्टिव को रियलाइज करने के लिए ऑल इनकम्पासिंग हिंदू सॉलिडैरिटी कटिंग अक्रॉस कास्ट लाइंस एस्टैब्लिश करना बहुत अनिवार्य है। ये पूरी बात जो है दरअसल शुरू हुई थी एक चुनावी दंगल से। फरवरी 1990 में हरियाणा के मेहम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बाई इलेक्शन था जिसमें मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़ रहे थे क्योंकि वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे। जैसा आप लोग जानते हैं चौटाला देवीलाल के पुत्र थे। मेहम से चुनाव के दिन जिस दिन वोटिंग हो रही थी बहुत चुनावी हिंसा हुई, उसको लेके राष्ट्रीय लेवल पे बहुत कंट्रोवर्सी उठ खड़ी हुई। तो जब जनता दल के अंदर भी इसको लेके उथल पुथल चली तो उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह जो देवीलाल के कैंप में थे, देवीलाल ने उनको बैक किया था प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो उस समय वीपी सिंह ने देवीलाल को और उनके बेटे को ओपनली सपोर्ट नहीं किया। तो उसकी वजह से उनमें उनके रिश्तों में
दरार आ गई। बाप बेटे तो सरवाइव कर गए, लेकिन उसके बाद से जनता दल में कॉन्फ्लिक्ट्स रेगुलरली उभरने लगे एंड इट बिकेम वेरी क्लियर कि वीपी सिंह गवर्नमेंट वॉज लिविंग ऑन बोरोड टाइम। उसी तरफ जून 1990 में विश्व हिंदू परिषद ने अपना जो मंदिर का जो एजेंडा था उसको दोबारा से उठाया। उन्होंने उस प्रोसेस को, जो आंदोलन था उसको रिवाइव करने का प्रोसेस शुरू किया। अनफॉर्चुनेटली विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब दिसंबर 1989 में अपनी कुर्सी संभाली थी तो उनको पता था कि अयोध्या एक तरह से एक टाइम बॉम्ब है, घड़ी चल रही है, कभी भी फट सकता है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए कोई खास कोशिश नहीं की। जून 23-24, 1990 को हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक हुई। इसमें ऐलान किया गया कि 30 अक्टूबर उसी साल को, जो एक बहुत बड़ा त्योहार होता है अयोध्या में, देवउठान एकादशी, उस दिन से कार सेवा या फिर राम मंदिर निर्माण का कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। बीजेपी ने जुलाई 1990 में मद्रास में अपने नेशनल एग्जीक्यूटिव सेशन में इस प्रोग्राम को एंडोर्स किया और सपोर्ट किया। आडवाणी ने कहा, मैं पढ़ के सुनाता हूं, अगर इस सपोर्ट की वजह से कोई पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट होता है और बीजेपी ऑपोजिशन में आ जाती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार एक तरफ से तो बीजेपी सपोर्ट कर रही थी, वहीं दूसरे तरफ जो कम्युनिस्ट पार्टी से सीपीएम, सीपीआई और उनके एलाइज, वो लोग समर्थन दे रहे थे। प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह समझदार राजनेता थे। वो समझ गए कि संघ परिवार का राम मंदिर का आह्वान बहुत सीरियस है। दूसरी तरफ उनको ये भी पता था कि जनता दल के अंदर खिचड़ी पक रही है। वो जानते थे कि उनको काउंटर मेजर्स लेना बहुत जरूरी है। तब उन्होंने मंडल कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन का जो पूरा प्रोसेस उन्होंने पार्शली इनिशिएट किया था, उसको उन्होंने फास्ट ट्रैक पर रख दिया। दरअसल कहानी शुरू होती है दिसंबर 1978 से, जब जनता पार्टी की सरकार थी मोरारजी देसाई के अंडर। तब मंडल कमीशन का गठन हुआ था, बैकवर्ड कास्ट्स के हितों के लिए क्या किया जा सकता है उसको स्टडी करने के लिए। 10 साल से उनकी रिपोर्ट वॉज गैदरिंग डस्ट इन गवर्नमेंट शेल्स। हर चुनाव में हर पार्टी वादा करती थी कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम आके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन बात वहीं की वहीं रह जाती थी। सरकार बनाने के पहले जब जनता दल ने नवंबर 1989 में अपना एक्शन प्लान अनाउंस किया था, तब उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो 27% सरकारी नौकरियां ओबीसी के लिए रिजर्व करेंगे। सरकार बनने के बाद एक कैबिनेट कमिटी भी गठित हुई थी, लेकिन शुरू के महीनों में कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हुआ इस पर्टिकुलर मुद्दे पर। लेकिन जब संकट के बादल विश्वनाथ प्रताप सिंह को दिखाई देने लगे, उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को पुनः इनिशिएट किया और रामविलास पासवान को इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि तुम जो कुछ काम हुआ है यहां तक, अब उसको आगे और बढ़ाओ। संघ परिवार के नेता ये जानते थे कि हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति को सबसे ज्यादा खतरा है तो अगर वो है हिंदू समाज में कास्ट बेस्ड डिविजन्स की वजह से। विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग में एक रेजोल्यूशन भी इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर पास हुआ था। उसमें कहा गया था 1989 में रामशिला पूजन और यात्रा प्रोग्राम से शुरू कर अयोध्या में शिलान्यास कार्यक्रम के द्वारा जो ऑल इनकम्पासिंग हिंदू यूनिटी या फिर एकता स्थापित हुई थी, उसको बनाए रखना हम सब के लिए एक तरह से धार्मिक कर्तव्य है।
रेजोल्यूशन में ये अपील की गई थी सारे संतों को कि अपने डिफरेंसेस को साइड में रख के आप लोग यूनाइट होइए, एकजुट होइए, ताकि राम मंदिर का निर्माण हो सके। मैंने वो मीटिंग कवर किया था जून 1990 में और अपनी पहली किताब द डेमोलिशन इंडिया एट द क्रॉसरोड्स उसमें मैंने लिखा था। एक विश्व हिंदू परिषद के नेता को कोट करते हुए उन्होंने कहा था, वी मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरगेट ऑल आवर इंटरनल डिफरेंसेस एंड प्रोजेक्ट द हिंदू सोसाइटी एज एन इम्प्रेग्नेबल फोर्ट। विश्व हिंदू परिषद की सीरियसनेस वीपी सिंह समझ गए थे। जिस तरह से 1989 में रामशिला यात्राओं द्वारा अयोध्या मुद्दे को बिल्कुल सेंटर ऑफ फोकस में लाया गया था, उसी स्क्रिप्ट को दोहराया जा रहा था 1990 में। राष्ट्रीय लेवल से लेकर हर गांव के लेवल तक श्री राम कार सेवा समिति की गठन करने का प्लान अनाउंस हुआ। लोकल मंदिरों के गवर्निंग काउंसिल्स को इन्फिल्ट्रेट करने का लोकल काडर को डायरेक्शन दिया गया। उनको बताया गया कि हर मंदिर में जाके वो संकीर्तन मंडली बनाए ताकि राम जी की भजन वो हर रोज उसका कार्यक्रम आयोजित कर सके। उस साल 29 सितंबर को दशहरा था और उस दिन से कार सेवकों को अपने गांव से चलकर अयोध्या पहुंचना था। उसके लिए पूरा आयोजन किया गया था कि वो कैसे जाएंगे। इससे पहले नवरात्रि के समय अयोध्या में जो पहला दिन था नवरात्रि को, उसमें एक सिंबॉलिक राम अग्नि जलाई गई थी। उस मशाल को से और मशालें जलाई गई थी और फिर धीरे धीरे पहले स्टेट्स के लेवल पर, फिर डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल पर, धीरे धीरे हर गांव तक ले जाने की योजना अनाउंस की। टू एंड फ्रो का मूवमेंट चलने लगा कि एक तरफ तो मशालें आएंगी अयोध्या से गांव की तरफ और दूसरा उसी पीरियड में तैयारी होगी कि कार सेवक जो है वो गांव से लेके अयोध्या की तरफ चले। हम लोग सब जानते हैं कि सांप्रदायिक दंगे बिल्कुल छोटे मुद्दों पे ट्रिगर हो जाते हैं और यहाँ तो आग हाथ में लेके विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता थे वो चल रहे थे। एंड इफ ऑल दीज अलार्मिंग प्लान्स वर नॉट इनफ, देयर वाज मोर टू कम। 15 अगस्त को सरकारी कार्यक्रम में ना जाने का कॉल दिया गया। कहा गया कि आप अपने घर से भगवान ध्वज फहराइए और शंख बजाइए। 30 साल पहले इन सब कार्यक्रमों की तैयारी चल रही थी और जोरों से कैंपेनिंग जनता के बीच में हो रही थी। जनता दल के अंदर भी जुलाई 1990 में घमासान स्टार्ट हो चुका था। देवीलाल खुलकर चंद्रशेखर का सपोर्ट कर रहे थे और विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ हर कदम पे मौके तलाश रहे थे कि उनको किस तरह से आइसोलेट करके इजेक्ट किया जा सकता है पार्टी और सरकार में से। राजीव गांधी ने भी अपने पार्टी के लीडर्स को इंडिकेट कर दिया कि अगर जनता दल के अंदर की जो फैक्शन फाइटिंग है उसमें अगर मौका मिले जो डिविजन्स हैं उसको वाइडन करने का, तो उसको मिस ना करें। जुलाई 1990 के अंत तक वीपी सिंह और संघ परिवार के नेता जान चुके थे कि किसके पास कौन सा पत्ता है। बस सवाल ये था कि कौन कब कौन सा पत्ता पहले खेलेगा। रामविलास पासवान दिन रात काम कर रहे थे। मंडल कमीशन के रिपोर्ट में क्या रिकमेंडेशंस थी, उनमें से कितनों को रिटेन करना है और कितनों को नहीं, इसको वो फाइनलाइज कर रहे थे। वहीं उसी समय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपना ड्रामेटिक मूव किया और देवीलाल को सरकार से हटा दिया। उन पर आरोप लगाया गया कि वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक कर रहे थे और सरकार और पार्टी के नेताओं के खिलाफ डिस इंफॉर्मेशन को मीडिया में प्लांट कर रहे थे। वीपी सिंह ने देवीलाल को चिट्ठी लिखी कि फॉर दीज एक्ट्स ऑफ योर्स ऑफ वायलेशन of all canons of collective responsibility of the cabinet,
I have recommended to the President of India to drop you from the Council of Ministers. देवीलाल को झटका तो लगा, लेकिन उन्होंने रिटेलिएट करने के लिए 9 अगस्त 1990 को दिल्ली में एक बहुत बड़ी विशाल किसान रैली का आयोजन किया। इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह अब देरी नहीं किए, क्योंकि उनको पता था फाइट टू फिनिश का पीरियड आ गया है। 7 अगस्त 1990 को उन्होंने अनाउंस किया कि उनकी सरकार ने मंडल कमीशन का जो मूल रिकमेंडेशन है 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन गवर्नमेंट जॉब्स, उसको एक्सेप्ट कर लिया है। उस फैसले के खिलाफ तुरंत देश भर में अपर कास्ट के लोगों से के तरफ से प्रोटेस्ट्स होने लगे। दिल्ली में भी बहुत आंदोलन हुए। एक युवा ने तो सेल्फ इमोलेट करने की भी कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बहुत करारा झटका लगा। राम मंदिर आंदोलन तो जैसे बिखरने लगा। इसका मूल कारण था कि हिंदू के एक जात और दूसरे जात मंडल कमीशन के इशू पे एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। यहां राम मंदिर एक कॉमन कॉज के लिए उनको यूनाइटेड होना था, वो अब कैसे होगा ये समझ में नहीं आ रहा था। अल्टीमेटली संघ परिवार के नेताओं ने इसको कैसे किया, ये हमारे एक फ्यूचर एपिसोड का सब्जेक्ट होगा। लेकिन असल बात यह है कि संघ परिवार, खास तौर से बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए हिंदू समाज में कास्ट डिविजन्स अभी भी चुनौती के तौर पर खड़ी होती है। पिछले 30 वर्षों में बीजेपी ने बहुत सोशल इंजीनियरिंग की है। इसकी वजह से ओबीसी की तरफ से भी बीजेपी को काफी सपोर्ट मिल रहा है। फिर भी कास्ट आइडेंटिटी हमारे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एक फलक्रम की तरह बनी हुई है। मंडल वर्सेस कमंडल 30 साल गुजर जाने के बाद भी ऐसा लगता है कि कभी हमारे राजनीति से में खत्म ही नहीं हुई। हमारा ये कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।